गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग का मीन्स है कि स्टाफिंग प्रोसेस में हम लोग जो जो प्रोसेस कर रहे थे वो हम किस तरह कंप्लीट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेंगे। स्टाफिंग में सबसे मेन था हमारे पास रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। यही तीन पॉइंट्स हमारे कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग कहलाते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमारी जॉब पोजीशंस वैकेंट हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए एप्लीकेशन दें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ही हमारे पास अच्छे ऑप्शंस रहेंगे कि हम राइट पर्सन टू द राइट जॉब सिलेक्ट कर सकें। ओके, तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह से है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को हम प्रमोट करते हैं, प्रमोशंस देते हैं, ताकि हमारी जो वैकेंट पोजिशन हैं वो फिल हो सकें। उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वैकेंट जॉब पोजीशन से फिल कर देते हैं। उससे हमें बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट होता है इकोनॉमिकल, कि हमें ऐड का खर्चा नहीं करना पड़ता है, एप्लीकेशंस नहीं छाड़नी पड़ती, ठीक। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल है। मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ आज हम इस जॉब पोजिशन पर, कल हम इससे हायर जॉब पोजिशन पर होंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है लेस अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। जो व्यक्ति जिस जॉब पोजीशन पे काम कर रहा होता है उसको अपने से अपर लेवल की काफ़ी कुछ जानकारी हो जाती है, तो हमारा जो ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाता है। एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उससे भी हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो फैमिलियर होते हैं, ठीक। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स क्या है, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को हम बैकेंड पोजिशन पे फिल कर देते हैं, तो हमारे पास नए आइडियाज नहीं आते। अगर कोई फ्रेशर, कोई न्यू पर्सन एंटर करता है ऑर्गेनाइजेशन पे तो नए आइडियाज के साथ एंटर करता है। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड चॉइस होती है। लेकिन जब हम बाहरी लोगों से एप्लीकेशन मांगते हैं तो हम चाहते हैं क्या, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास एप्लीकेशन दें ताकि हम अच्छा व्यक्ति सिलेक्ट कर सकें। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट दो तरह के मेथड यूज किए जाते हैं, पहला होता है ट्रांसफर, सेकेंड होता है प्रमोशन। एक वैकेंट पोजिशन पे दूसरी जगह से, यानी कि जैसे अगर हम एक बैंक का एग्जाम्पल ले लें तो क्या होगा, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना, शिफ्ट करना एम्प्लॉयज को हमारा ट्रांसफर कहलाता है। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। ट्रांसफर में क्या होता है, लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम रहती, मैनेजर मैनेजर पर रहेगा, क्लर्क क्लर्क पर ट्रांसफर होगा, ठीक। जनरली विद द ट्रांसफर देयर इज नो चेंज इन द कंपनसेशन लेवल एंड अथॉरिटी लेवल। लेकिन अगर प्रमोशन सेकेंड ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, प्रमोशन में क्या होता है, हायर लेवल पे प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम जॉब वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, उससे ऊपर की पोजीशन अथॉरिटी पे स्विच किया जाता, शिफ्ट किया जाता। इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल, द रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रेस्टीज इंप्रूव और इंक्रीज। जब एक व्यक्ति को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, हायर अथॉरिटी में शिफ्ट किया जाता है, तो क्या होगी, उसकी जॉब पोजीशन बढ़ जाएगी, इमेज बढ़ेगी, उसके प्रेस्टीज इंप्रूव होगी, ठीक। इस तरह आपके ये इंटरनल वैकेंसीज फिल की जाती हैं। अब बात करेंगे हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं। ओके, थैंक्स।